वर्ड काइनेटिक्स नहीं बेटा, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्ड सुना हुआ है और कई जगह सुना है, दैट इज मोशन के लिए वर्ड आता है, केमिकल काइनेटिक्स। दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी द मोशन रिगार्डिंग द केमिकल। जो हमारे केमिकल्स हैं, कोई भी जैसे अमोनिया बन रहा है, N2O3H2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके रिएक्शन की स्पीड जो है बेसिकली उसकी स्टडी है। और वो स्पीड वर्ड ना यूज करके हम यहाँ रेट यूज करते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ये रेट कैसे बदला जा सकता है, कैसे बढ़ेगा कम होगा, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। तो काइनेटिक्स चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, हमें पढ़ना है रेट ऑफ अ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ये कुछ फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन शुरू कैसे हुई या उसका पाथ क्या है। ये वो मैकेनिज्म नहीं है जो ऑर्गेनिक का होता है, वो मैकेनिज्म नहीं है कि कार्बोकेटाइन बना कार्बेनाइन, वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। बस ये है कि हम ये स्टार्ट कैसे हुई, पहुंची कैसे आ जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट ऑफ ए रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे, कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो रेट किन चीजों पर डिपेंड करता है वो यहाँ पढ़ेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट हम थोड़ा बहुत मैकेनिज्म भी देखेंगे। दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में हमें ये चीज पढ़नी, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, काइनेटिक वर्ड मीन होता है रेट, और रेट मतलब स्पीड, वो हमें देखना है केमिकल्स की कितनी है, केमिकल्स किस स्पीड से रिएक्ट कर रहे हैं, और वो कैसे हम रेट बदल सकते हैं ये देखना है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है रेट ये देखना है, और उसका पाथ क्या है वो देखना है, ठीक है। तो काइनेटिक्स चैप्टर में जो हमारे रिएक्शंस हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है, भैया हमने रिएक्शन को दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, एक कर रखा है रिएक्शन को स्टेप्स के हिसाब से क्लासिफाई, स्टेप्स मतलब कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाती, एक स्टेप कहने का मतलब हमें बीच में कोई भी चीज आइसोलेट करने का मौका ही नहीं मिला, हमारे पास रिएक्टेंट आया प्रोडक्ट आया सीधा, बीच का हमें कुछ नहीं पता, हम सब अंटप पे खाली अंदाजा लगा रहे हैं, हमें ना पता ये हो रहा है नहीं। जैसे AgNO3 और NaCl को मिला है, तो AgNO3 और NaCl जैसे कॉन्टेक्ट में आते हैं AgCl बन जाता है विद इन नो टाइम, कहने का मतलब 10^-12 सेकेंड या और कम टाइम में वो बन जाता है। तो इसकी काइनेटिक्स ज्यादा एलोबरेटेड नहीं है, तो इसको हम सीधा कह देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। भैया एलिमेंट्री रिएक्शन का हुए वो रिएक्शन जो हम कह सकते हैं सिंगल स्टेप की है, एक ही स्टेप में, अच्छा जब एक ही स्टेप है तो जय शुरू जय खत्म, इसके बीच में कुछ भी आइसोलेट नहीं करना, सिंगल स्टेप। एक रिएक्शन होगी जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली एलिमेंट्री का मतलब एक स्टेप और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप कहने का क्या मतलब है, उसमें दो या दो से ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं, बट पूरी रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा वो कहलाएगा बेटा RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसे हम RDS कह देंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इस रिएक्शन का कौन सा स्टेप होगा, स्लोएस्ट। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में किस पे नजर रखनी है, स्लोएस्ट स्टेप पे। सिंगल स्टेप है तो भैया उसी पे नजर है, किसी और स्टेप ही नहीं, और अगर कोई मल्टी स्टेप है तो हमें ज्यादा फोकस करना है कि रिएक्शन का जो रेट निकालेंगे, या इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो इन सब के लिए हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने स्लोएस्ट स्टेप पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स के हिसाब से रिएक्शन दो तरह की हुई, वन इज एलिमेंट्री वन इज कॉम्प्लेक्स, और एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में है तो इसमें कोई और नई बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी हमारा स्लो स्टेप होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये याद है, ठीक।
सेकंड है, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप की है, रेट यानी स्पीड के हिसाब से। बेटा स्पीड के हिसाब से रिएक्शन बेसिकली तीन तरह की होती है, मतलब बहुत तेज चलने वाली, बहुत तेज, वेरी फास्ट, स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस। तो एक तो होती है वेरी फास्ट, जिनको हम स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंटेनियस भी कह देते हैं। स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब टेकिंग विद इन नो टाइम, या जैसे कहते हैं लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो समथिंग दिस, तो यहाँ भैया टाइम अप्रोचिंग टू जीरो है ना के बराबर। अधिकतर आयनिक रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, ऑल आयनिक रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ दिस, इनकी काइनेटिक्स नहीं पढ़ती। तो एक है वेरी फास्ट, एक है वेरी वेरी स्लो, या सिंपली वेरी स्लो, जिसे डेड स्लो भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, बेटा आपने अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा, पिछले चैप्टर में काइनेटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक लास्ट पॉइंट था, दैट इज हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट होता है, क्योंकि उसमें आयरन का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो रस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, बट रस्टिंग होने से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को या हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोई हेल्प ना मिले, मतलब इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इतना घटिया प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है कि वो खाली नुकसान कर रहा है आयरन को, कुछ फायदा वायदा कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट नहीं हो रही, वेरी स्लो। और अगर ये वेरी स्लो प्रोसेस है, ईयर टुगेदर का प्रोसेस है, तो ये डेड स्लो या वेरी स्लो में आएगा, इसकी काइनेटिक्स भी नहीं पड़ेंगे। तो वेरी स्लो में वो रिएक्शन होंगी विच टेक्स ईयर टुगेदर, विच आर वेरी स्लो प्रोसेस, और जिनकी हम कैलकुलेशन करें तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन किसे कहते हैं, टेकिंग प्लेस इन यूजुअल टाइम, ना बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। जैसे लैब में कोई एक रिएक्शन चल रही है, लैब में HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, HCl बना, या और कोई रिएक्शन, तो वो मॉडरेट रिएक्शन में आएगी। या हर वो रिएक्शन जिसमें एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड क्वांटिटी हमें रिएक्ट करती हुई दिख रही है, इसका dx by dt जब हम निकालें, दैट इज तो वो dx by dt एक वैल्यूएबल अमाउंट हो, वो इतना कम ना हो कि स्टडी में बहुत प्रॉब्लम हो, तो दैट इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। और बेसिकली हमें सिर्फ ये मॉडरेट रिएक्शन ही इस चैप्टर में पढ़नी है, ना वेरी फास्ट ना वेरी स्लो। वेरी फास्ट में आयनिक रिएक्शन आती हैं, उनकी भी हम एग्जांपल्स या मैकेनिज्म या रेट कुछ नहीं पढ़ेंगे। वेरी स्लो में रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ ऑयल पेंटिंग, या एयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है बट रिएक्ट करके वाटर नहीं बनता, मतलब ऐसा नहीं है कि एयर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बन रहा हो, ये मत समझना सुबह से बारिश हो रही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने लगे, ऐसा नहीं। तो वेरी स्लो में है एयर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन होके अपने आप वाटर बनना, तो वो भी हमें यहाँ नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, ओनली मॉडरेट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन यूजुअल टाइम। अब इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो आप सोच के बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी, जैसे कार्बन ले ले हम, C14 की हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ का मतलब समझते हो गए आई होप सो, एक ग्राम अगर हमने C14 लिया है तो आधे ग्राम में रह जाएगा, और इसकी हाफ लाइफ नियरली है 5770 ईयर, 6000 भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6000 साल में ये एक ग्राम से आधे ग्राम में चेंज हुआ है, इज इट वेरी फास्ट वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। यस बेटा सही कह रहे हो, येलोइंग ऑफ ऑयल पेंटिंग या पेपर इज ऑल्सो वेरी स्लो वर्मिंग। तो ये रिएक्शन किसमें आएगी, ये अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को हमने रिप्रेजेंट ही ऐसे किया है कि उनको दिख रहा है अरे बहुत धीरे चल रही, बहुत धीरे, वेरी स्लो, बट इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। भैया ये मॉडरेट है, जल्दबाजी भी मत करो, वेरी फास्ट भी नहीं है, ये मॉडरेट है। और ये भी आगे प्रूफ होगा क्यों। एक्चुअली ये रेडियो एक्टिविटी ना न्यूक्लियर फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिनोमिना समझते हो ना, एक न्यूक्लियस जब टूटता है, और न्यूक्लियर फिनोमिना में भी ना ये एक ग्राम में ये मोल के हिसाब से नहीं चलता, पर एटम के हिसाब से, हर एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए तो कॉमन सेंस है इत्तू सबम बिल्डिंग्स गिरा देता, कैसे, क्योंकि इत्तू सबम जो होता है जब वो एक्सप्लोड करता है तो एनॉर्मस एनर्जी आती, कहां से भैया एनर्जी कहां से आई, मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट मतलब
इतू सा मास एनर्जी में बदल गया, ई इक्वल टू एम पी स्क्वायर। इतू सा मास से भी अगर एनर्जी बनेगी तो सी की वैल्यू 3×10^8 उसका स्क्वायर 9×10^16, दैट मीन्स एनॉर्मस एनर्जी विल। तो वो जो मास डिफेक्ट है मास एनर्जी में गया है उसकी वजह से, दैट मीन्स यहाँ की कैलकुलेशन जो न्यूक्लियर लेवल की होती है वो कैलकुलेशन मोल्स पे नहीं होती। मोल्स पे नहीं होती मतलब पर एटम पे डिपेंड करती, पर एटम मतलब यहाँ एक ग्राम जो था ये आपको मालूम है 12 ग्राम में इतने एटम होते हैं, है ना, 12 ग्राम में, तो एक ग्राम में कितने एटम हो गए, इतने एटम, चलो 1/2 × 10^23 इतने एटम एक ग्राम में। तो आधे ग्राम में कितने एटम हो गए, 1/4 × 10^23। अब आधे ग्राम में इतने एटम है और मैं इसको ना 10^22 लिख लूं तो यहाँ 10^2.5। बस ये बताना चाह रहा हूं बहुत सारे एटम है ना। अब जरा सोचो 2.5 × 10^22 एटम्स हैं, इससे आधे रिएक्ट किए यानी 1.25 × 10^22 एटम रिएक्ट किए, इतने एटम कितनी देर में रिएक्ट किए, कितनी देर में रिएक्ट किए, लगभग 6000 साल में, 6000 ईयर्स। ईयर से ये आ गए डेज, डेज से आ गए ये आर, और आर से आ गए ये मिनट, और मिनट से आ गए सेकंड। ओके तो भैया एक सेकंड में कितना रिएक्ट किया जरा देख लें, 1.25 × 10^22 अपॉन 6000 अपॉन 365, वहां 4 हो गया था, कोई बात नहीं इसे 5 कर देंगे, टेंशन ना लेने का, × 24 × 60 × 60। जरा एक बारी रैंडम भी सॉल्व करके देखो, 3 0 4 0 5 0 गए तो 17 तो ये हो गए। एक दिन में हमने या एक ईयर में 1000 दिन मान लो, अडाप 1000 दिन मान लिए तो भी 14 रह गए। एक दिन में 100 घंटे मानो अडाप, हाँ नहीं तो ये 12 हो गए है ना, और हर घंटे में 6 की जगह 10 कर दिया ये हमने, मतलब ये भी बढ़ा दी वैल्यू तो 10, तब भी ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तब भी बहुत बड़ी वैल्यू 10^10 तब भी आ रहा है, दैट मीन एनॉर्मस। एक सेकेंड में इतने सारे रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब इतने सारे रिएक्ट कर रहे हैं तो, और हम इनकी काइनेटिक्स पढ़ पाते हैं, जिसकी भी हम काइनेटिक्स पढ़ पाते हैं, अरे यार तो रहने दे, कोई कैलकुलेशन पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम अगर हम इतने की काइनेटिक्स पढ़ पाते हैं तो मॉडरेट में लेंगे। तो आप ध्यान रखना रेडियो एक्टिविटीज अ मॉडरेट रिएक्शन, ये मॉडरेट में आती है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग चाहते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। पहली चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए कि इट इज अ स्टडी ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। कोई भी केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है, उसका रेट यानी स्पीड कैसे चल रहा है, एंड द फैक्टर अफेक्टिंग, कि हम क्या फैक्टर्स चेंज कर दें कि इसका रेट कम या ज्यादा हो जाए, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम फैक्टर अफेक्टिंग रेट, मैकेनिज्म एंड रेट, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे दिमाग में पहला पॉइंट आना चाहिए इसकी स्टडी। सेकेंड पॉइंट क्या आना चाहिए बच्चों, कि रिएक्शन के ही क्लासिफिकेशन क्या है, रिएक्शन कितने तरह से क्लासिफाई की जाती है, एक स्टेप के हिसाब से, यानी सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गई उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, या कई स्टेप्स में हो रही है, इंटरमीडिएट आ रहा है, इंटरमीडिएट स्टेबल है और उसके बाद फिर उसमें कुछ करना पड़ रहा है या फिर एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट मीन्स कई स्टेप में हो सकती है, हर स्टेप के बाद हम कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट चाहें तो आइसोलेट भी कर सकते हैं, तो वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, जो उसका सबसे स्लो स्टेप होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आया दूसरा क्लासिफिकेशन विच इज कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ रेट, इसमें एक रिएक्शन वेरी फास्ट है, एक वेरी स्लो है और एक मॉडरेट, हमें मॉडरेट पढ़ना। वेरी फास्ट रिएक्शन आयनिक रिएक्शन होती है, वो स्पॉन्टेनियसली होती है, जैसे आपने एक सिंपल एग्जाम्पल बचपन में सुना होगा, आपने बहुत पहले सुना होगा, आई मीन टू से, कि एक हवाई जहाज जा रहा था, उस हवाई जहाज में 3 देशों के प्रधानमंत्री थे, एक है अमेरिका का था, चाइना का था और इंडिया का था। यूजुअली ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे, या फिर आपने जो दूसरे सुने होंगे वो हाथी और चीटी वाले सुने होंगे। तो ये 3 देश के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका का और चाइना का और इंडिया का, तो जमीन से लगभग व्हाटएवर 20 किलोमीटर ऊपर और व्हाटएवर द हाइट, बहुत ऊपर। इनसे कहा गया बताइए आप किस जगह घूम रहे हैं, आप हैंड बाहर निकालिए बताइए। ऑब्वियसली पहले अमेरिका वाले ने हैंड निकाला और कहा ओ दैट माय कंट्री अमेरिका, ठीक है। बोले कैसे पता आपको अमेरिका है, बोले वी डेवलप सो लॉट कि यहाँ का टेम्परेचर इतना होना चाहिए और यहाँ स्पेस सेटेलाइट घूम रही है, एलियंस का हम पता लगा रहे हैं, इसका मतलब ये अमेरिका है। गुड। चाइना वाले ने हाथ डाला, बोले ये
माय कंट्री चाइना, कैसे पता भैया आपको चाइना आ गया? बोले देखो ये समर्स का टाइम है, इस समय ऐसा है, लेकिन यहाँ आई एम फीलिंग कोल्ड, बिट कोल्ड और दिस एंड दैट, दैट मीन्स इट्स चाइना, क्योंकि चाइना ने वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर रखा है, सम वॉट मैनिपुलेशन ऐसा कुछ कर रखा है कि बर्फ भी गिरा लेते, ऑब्वियसली ठीक है, एक आध आ गया है ओरिजिनल में, ठीक है डेफिनेटली, और इसके बाद इंडिया वाले ने मोदी जी हाँ इट्स इंडिया, और कमाल की बात है उन लोगों को 10-10 मिनट लगे थे पता करने के लिए, इन्होंने हाथ बाहर निकाला अंदर आ गया, इट्स इंडिया, हाउ इट्स इंडिया, बोले ये 20 किलोमीटर ऊपर चल रहे हो, हाथ जैसे ही बाहर गया मुझे कुछ लगा, मैंने वापस अंदर खींचा, घड़ी गायब थी, मेरी वॉच गायब थी 20 किलोमीटर ऊपर, इससे शातिर और कहीं के हो ही नहीं सकते, दे आर इंडियन गारंटेड 20 किलोमीटर ऊपर ये ही काम करते हैं, ठीक है। अब एक आध अंग्रेज जरूर मुझसे कहेगा हवाई जहाज में खिड़की होती है, खिड़की खुलती है, अबे बैठ हवाई जहाज में जाके तू पहले, हाँ नहीं तो खिड़की होती है नहीं होती बता रहा मुझे। चलिए लौट के आते हैं, वेरी फास्ट वेरी स्लो मॉडरेट क्लियर है। अब हमें पहली चीज पढ़नी है रेट, ठीक है, लेकिन हम रेट पढ़ेंगे नहीं, पहले हम थोड़ा एक बेसिक वर्ड समझ रहे हैं कि ये रिएक्शन शुरू कैसे होती है, क्योंकि रेट में मुझे बार बार वो चीज अप्लाई करना है, एनसीईआरटी में गिवन है जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो चैप्टर के लास्ट में गिवन है, ठीक है कोई बात नहीं, हमें चैप्टर समझ में कहाँ से आता है हम वहां से उठाते हैं, ओके। तो पहला पॉइंट है ये रिएक्शन शुरू कैसे होती है, ओके, हाउ रिएक्शन इनिशिएट्स, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है। तो ऑर्गेनिक में एक फंडा दिया कि पहले ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बार समझते हैं क्या है। यहाँ पे इन्होंने ग्राफ से समझाया है, ग्राफ से क्या समझाया है, ये दो एक्सेस हैं, ये कोर्स ऑफ रिएक्शन या टाइम पीरियड कह लीजिए, वट एवर कोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं वैसे, और ये एक्सेस एनर्जी एक्सेस है। तो इन्होंने ग्राफ से समझाया है रिएक्शन कैसे चलती है, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, और रिएक्टेंट अपनी एनर्जी पहले बढ़ा के यहां तक ले जाता है, फिर वो कहीं जाके प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये चेंज हुआ, दैट मींस एनर्जी बढ़ रही है, और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से आपको ज्यादा दिख रही है, एनर्जी बढ़ रही है, नीचे जीरो था फिर ये कुछ वैल्यू आई, फिर और कुछ वैल्यू ज्यादा आई, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आई। दूसरा ग्राफ उन्होंने कहा ऐसा है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने अपनी एनर्जी बढ़ाई और फिर ये आया, ये प्रोडक्ट आया। तो अगर आपको समझ में आया हो दोनों ग्राफ में क्या चीज कॉमन है, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ये और प्रोडक्ट की एनर्जी, मतलब एनर्जी कुछ कम हो गई, और अगर एनर्जी कुछ कम हो गई तो एनर्जी बाहर निकल गई, एनर्जी बाहर निकल गई मतलब रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर आ गई, द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक एंड दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, दो ग्राफ है, वेरी गुड, फर्स्ट इज एंडोथर्मिक एंड सेकेंड इज एक्सोथर्मिक। पहला वाला जो प्रोसेस हमारा है वो एक्सो है, एनर्जी लॉस हो गई, दूसरा वाला है एंडो, एनर्जी गेन। तो अब ये ग्राफ को जरा ध्यान से समझना, कहना क्या चाहता है ग्राफ, कहना क्या चाहता है बेसिकली, इनका ये कहना है कि कोई भी रिएक्शन हो वो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एनर्जी गेन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट की एनर्जी 600 जूल है और प्रोडक्ट की एनर्जी सिर्फ 100 जूल है, तो ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट 600 से 100 अपने आप डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट एनर्जी लूज कर दे, नहीं होता ना, पहले एक बैरियर तक जाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी पहले रेज करनी पड़ेगी, और रेज करने के बाद फिर प्रोडक्ट की एनर्जी में आए। बेसिकली दे आर सेइंग व्हाटएवर द प्रोसेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, चाहे तुम बाद में लाला बनो चाहे बाद में भिखारी बनो इससे कोई मतलब नहीं है, बट इन एनी केस इन एनी लाइफ प्रोसेस फर्स्ट यू नीड टू इन्वेस्ट समथिंग, डायरेक्ट आप ना तो गड्ढे में गिर सकते ना ही ऊपर उठ सकते हैं, ओके। और सिंपल भाषा में चेंज करिए, क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि एक माचिस, मैच बॉक्स, ऑर्डिनरी मैच बॉक्स, माचिस की तीली निकालें, और माचिस की तीली निकालें उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रक करें, याद आया, माचिस की तीली को स्ट्रक करते हैं जलाने के लिए, टू लाइट अप वी हैव टू स्ट्रक, क्यों क्यों स्ट्रक करें, बेसिकली माचिस की तीली को भी एक लेवल ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, जिसे इस चैप्टर में हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, वो चाहिए, मतलब इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि माचिस जो है लेट सपोज इसको जलाएंगे पहले उसके बाद एनर्जी निकलेगी, पहले हम एनर्जी देंगे ये जल जाएगा फिर एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से तुम्हें जो चाहे जलाना जला लो, तुम अपने पूरा घर जला लो मेरी वाला जो तुम्हें करना कर लो, लेकिन पहले माचिस की तीली जलानी तो पड़ेगी ना, एनर्जी तो पहले देनी पड़ेगी,
तो कोई भी प्रोसेस हो उसमें पहले एनर्जी देनी पड़े। मतलब सिंपल बैंकिंग यहाँ नहीं चलेगी कि आपने ये एक बॉम्ब लिया, लेट सपोज ये बॉम्ब है और ये अगर एक्सप्लोड हो तो 1 लाख या चलो 10 आ गया तो 10 लाख जूल एनर्जी निकलती है। सपोज इस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के लिए इतनी एनर्जी या एक्सप्लोड करने पे इतनी एनर्जी मिलती है और इसको एक्सप्लोड कराने के लिए भी एनर्जी देंगे थोड़ी सी, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं बस इसे उठा के जो फेंक के मारना जमीन पे इतनी एनर्जी देंगी, दैट मीन्स जब हम इसे फेंक के मारेंगे और 10 लाख जूल एनर्जी आएगी तो काफी लंबे एरिया तक नुकसान होगा, है ना, काफी लंबे। तो हम ये रिस्क ले नहीं सकते कि अपने सामने यहाँ फेंक दें। तो हमने कहा भाई एक्सप्लोड करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी देनी है, बोले हमें 5 जूल एनर्जी देनी है, बोले हमने देनी है 5 जूल, फिर बाद में तुमने हमें कितनी देनी है 10 लाख जूल, चलो सेटिंग कर लेते हैं, तुम 10 लाख की जगह 9 लाख दो, लेकिन जब हम कहें फोन करें उसी समय अपने आप एक्सप्लोड हो लीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये वाली बैंकिंग नहीं चलेगी, ये जो तुम करप्शन करते हो ना, ये करप्शन यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा हमें 5 लाख देने हैं, तुमसे 4 लाख लेने भी हैं, ऐसा करना, ऐसे बैंकिंग यहाँ नहीं। यहाँ भैया ये पहले एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बाद ये एनर्जी मिलेगी, बिना एनर्जी दिए एनर्जी नहीं मिलेगी। दैट दिस प्रोसेस नोन एज इनिशिएशन, एक इनिशिएट करने के लिए एनर्जी डालनी पड़ेगी, उसके बाद रिएक्शन जब एंड अप होगी तो आपको बाहर एनर्जी मिल सकती है अगर एक्सोथर्मिक। ये डेली लाइफ या इन लाइफ भी प्रोसेस है, कई बच्चे चाहते हैं हम सोते रहे फिर भी हमारा फ्यूचर बन जाए, तो दैट्स वेरी इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू, क्योंकि केमिस्ट्री ये कह रही है हर प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, चाहे वो बाद में एक्सोथर्मिक में कन्वर्ट हो चाहे एंडोथर्मिक में हो, बट वी रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ, हर एक प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम बाहर से देंगे वो एक्टिवेशन है। ये भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्राफ से। तो बेटा यहाँ पे इस ग्राफ में जो ये लाइन है, आई होप सो, ये यहां से लेके यहां तक की लाइन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। व्हाट इज थ्रेशहोल्ड? द मिनिमम एनर्जी इफ अ रिएक्टेंट हैव देन इट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो वो एक मिनिमम एनर्जी जो अगर रिएक्टेंट के पास हुई तो प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज थ्रेशहोल्ड। बट द प्रॉब्लम इज दैट थ्रेशहोल्ड में एक एनर्जी रिएक्टेंट के पास अपनी है, व्हिच इज नोन एज, दिस इज नोन एज पोटेंशियल या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बहुत सारे होंगे ना रिएक्टेंट, किसी की कुछ कम किसी की ज्यादा, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये हमें असलियत में सिर्फ पता है जो हमने बाहर से दी है। हमें एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं पता होती है, थ्रेशोल्ड भी नहीं पता होती, हमें बस मालूम है माचिस की तीलों को जलाएं में कितनी एनर्जी लगेगी, और ये एनर्जी दो तरीके से दे सकते हो, या तो वर्क डन करके, या कहीं पहले से आग लगी वहां ले जाके माचिस की तीली रख दो वो भी जल जाएगी, तो डायरेक्ट हीट की फॉर्म में भी दे सकते हैं और वर्क करके भी एनर्जी मिल सकती है। ये वाली जो मैंने लाइन अब बनाई है, ये यहां से लेके यहां तक की लाइन, ठीक है, दिस लाइन या दिस एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये हमें बाहर से सप्लाई करती है, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए से डिनोट कर देते हैं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। हायर द ड्रीम हायर द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर तुम्हें बड़ा काम करने की सोचा तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी, ये लाइफ का एक सिंपल फंडामेंटल है, मोर द ड्रीम्स मोर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बिना काम किए तो भैया कुछ मिलना नहीं है, कुछ बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अभी भी घूम रहे होंगे, और कमाल की बात पता है क्या, जो तुम पढ़ रहे हो ना, तुम हो सकता है अगले 10 साल तक पढ़ते रहो, डॉक्टर बन रहे हो तो या इंजीनियर बन रहे हो तो भी अगले 10 साल तक काम करते रहो, कुछ ना कुछ कमाते रहो, और जो अभी नहीं पढ़ रहे उनकी लाइफ देखो कितनी अच्छी, अभी नहीं पढ़ रहे अभी घूम रहे, अगले 10 साल भी घूमेंगे, अभी भी उठल हुए हैं माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हैं, 10 साल बाद भी माँ बाप के पैसों पे ही ऐश करेंगे जितने उनके पास माँ बाप के पास होंगे, क्योंकि अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, जब इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो बाद में मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, तो उनके लिए भी थम्स अप। तो ये एक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, यू हैव टू वर्क। केमिस्ट्री कह रही है कोई भी काम करना है यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी, इफ द ड्रीम्स आर हाई द एनर्जी विल ऑल्सो बी हाई। आपको अगर कोई बड़ा काम करने की सोची, IAS बनना है, IPS बनना है, या तो उस डायरेक्शन में आपको वर्क करना पड़ेगा और एनर्जी भी ज्यादा, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। यहां तक ग्राफ ये सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। नाउ बैकवर्ड डायरेक्शन भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, एक मिनट और लेते हैं आपका पहले, ओके, एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ना,
अब हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड पॉइंट पढ़ने के लिए। मान लो ये आपके स्कूल की दीवार है, ओके, इस तरफ स्कूल है, थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा, जिंदगी में कभी जाते ही थे आप लोग, ठीक है, अब नहीं जा रहे हो तो क्या है, एक तरफ स्कूल है, ये बाहर की दुनिया है, इसे जेल भी कह सकते हैं, लिमिटेड पीरियड, डेली आपको 6 से 8 घंटे का कारावास मिलता था और उसके बाद आप बाहर आते थे, बट चलिए अब आपका बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बताएंगे बेटा थ्रेशोल्ड क्या है, अभी एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ कि वहां के जो वर्ड है वो आपको क्लियर हो जाए। ये स्कूल है, ये स्कूल की दीवार है, ये स्कूल के इधर जो स्कूल की बिल्डिंग प्लेग्राउंड और जो भी है, ये स्कूल इधर है, ये बाहर की दुनिया है, बीच में बाउंड्री वॉल, डन। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राणी होते हैं जो घर से आए हैं, पढ़ने आए हैं, या अगर जेल है तो कैदी टाइप के हैं, व्हाटएवर, फिलहाल इनकी इच्छा है, जैसे सारे बच्चों की इच्छा होती है, टाइम से पहले हम घर पहुंच जाएं, ठीक है, टाइम से पहले हम घर पहुंच जाएं, मतलब घर तो नहीं, मतलब स्कूल की बाउंड्री क्रॉस कर लें। अगर स्कूल में एक लिमिटेशन लगी हुई है कि छुट्टी 2 बजे होनी है, तो भले ही 1:45 बाहर निकले, एक आत्मा को सुकून मिलता है कि जल्दी तो आए, है ना। हाँ बेटा थ्रेशोल्ड अभी बता रहा हूँ क्या है, सारी चीजें समझ में आएंगी, देखो तो इनकी बड़ी इच्छा होती है स्कूल से बाहर आ जाए, और अगर स्कूल के लॉज तोड़ के आ गए, रूल्स तोड़ के आए, तो कुछ ज्यादा ही खुशी होती है, ऐसा लगता है वाह आज जिंदगी में कुछ अचीव किया है, अब तो रघु और रोडीज वाले जो है मेरे घर भी आ सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वॉट एवर, ये बाहर आना चाहते हैं। तो ये दीवार है, दीवार है बेटा, कूद के ही जाना पड़ेगा, कॉमन सेंस, ऐसा तो होगा नहीं, आप दीवार के पास गए, आप खड़े हो गए, खुल गया सिंह, दीवार खुल गई, अबे बबूशा की दीवार नहीं है, हाँ असली वाली दीवार है, तुम्हारे प्रिंसिपल ने बनवा रखी है, तो ये भैया रॉक सॉलिड दीवार है, ठीक है। अब इस दीवार की एक हाइट होगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल सोच के देखना है, व्हाट एवर द हाइट, एक सिंपल वैल्यू ले लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, 20 फीट की दीवार है, 20 फीट की दीवार है। अब इसमें कुछ लिलीपुट भी है, छोटे बच्चे भी हैं, कुछ ये दारा सिंह वाले हाइट के भी हैं, मिल्खा सिंह भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वट एवर, ठीक है। तो यहाँ पे कई फरहान अख्तर और कई आमिर खान और कई तुम में से जो जो रोल तुम्हारा सूट कर रहा है वो सब है भैया, किसी की हाइट कम है किसी की ज्यादा, डन। एक एवरेज हाइट ले लेती, एक एवरेज हाइट हमने मान ली यहाँ पे, सपोज 5.5 फीट है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 5 फीट, ठीक है। अब 0.5 के चक्कर में ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वो आधे से ज्यादा उस कैलकुलेशन में घूमते रहेंगे, एग्जांपल सुनते ही नहीं, तो मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो भैया 20 फीट की दीवार थी, एवरेज हाइट 5 फीट थी, कुछ थोड़े से बड़े कुछ थोड़े से कम, तो मेरे बच्चे ये जो 20 फीट है ना, 20 फीट ये टोटल 20 फीट ये है थ्रेशोल्ड, मतलब जिसने अभी 20 फीट तक की कहानी तय कर ली वो आगे निकल लेगा चाहे कुछ हो जाए, दिस इज थ्रेशोल्ड। एक दो बच्चे पूछ रहे थे ना व्हाट इज थ्रेशोल्ड, बेटा थ्रेशोल्ड बेसिकली वो बैरियर को कहते हैं कि यहां से बैरियर निपट गया, यहां तक पहुंच गया तो निपट गया। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली सबको इतनी एनर्जी चाहिए, हाँ इतनी होनी चाहिए, लेकिन इतनी बाहर से चाहिए ना, ना सबको बाहर से इतनी नहीं चाहिए, अरे कुछ तो अपनी भी हाइट है यार, कुछ तो अपनी एनर्जी भी, बाहर से रस्सी जितनी चाहिए, बाहर से जो हेल्प चाहिए वो है एक्टिवेशन, एक तो अपना एक पोटेंशियल भी तो है ना, यहां तक कि अगर होता सपोज 5 फीट एवरेज हाइट ली और 5 फीट की दीवार होती तो नो रस्सी फस्सी नीडेड, अपने आप निकल लेते, लेकिन ये दीवार ऊपर पहुंच गई तो अपनी हाइट माइनस करो, यानी यहाँ जो एवरेज हाइट हमने मानी है वो माइनस करो, बची हुए जो 15 फीट है ये इट करस्पॉन्डिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो 15 फीट आएंगे इट इज करस्पॉन्डिंग, ये किसको प्रपोर्शन कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन, तो इन्हें यहाँ तक का एक्टिवेशन चाहिए, समझ में आ रहा है, यहां तक का मोटिवेशन चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए कि ये बाहर आने के लिए हिम्मत करे। अब जैसे ये छोटे वाले हैं, लिलीपुटर हैं, लिलीपुट अगर पूछे हाँ बाहर चलो चलते हैं, तो इनके विचार ही अलग होते हैं, ये यूजुअली कह नहीं सकते ना कि दीवार कूदना मेरे बस में नहीं है, ये मेरी औकात के बाहर है, ना ना इसमें तो ईगो हर्ट हो जाएगी। अब क्या हो अगर आप इनसे पूछे चले भागते हैं, ये लंबा वाला आ जाए 6 फुटा या कोई और आ जाए, चल भागते हैं ना, स्कूल का एक ले आते पढ़ने आते, माँ बाप ने क्या किया है, ये सर हरकतें करने हम यहाँ नहीं आए, पढ़ाई करो, टीचर्स पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कुछ सामने वाला ओए कौन टीचर पढ़ा रहे हैं तुझे, अरे बेइज्जती करते रहते हैं हमारी, पढ़ाया कभी इन्होंने ढंग से, अगर पढ़ा रहे होते तो कोचिंग क्यों जाता तू शाम को, है आर्गुमेंट विल गो ऑन,
लेकिन फिलहाल ये कहता नहीं, आई विल नॉट डिस माय फादर, ही पेड, उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा, एंड सो एंड सो एंड सो, बड़ा आदर्शवादी है, मन्ने दे भाई। ये भैया आया, ये शातिर मां, बोला हम तो जाएंगे, पढ़ाई में वैसे हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कूद काद के निकलेंगे। ये कूद काद के निकलेगा तो इसे कितने फीट की और जुगाड़ करनी है, 15 फीट, ठीक है। मान लीजिए ये बच्चा बाहर आ गया, ओके, साथ में एक हाथ को तो एनकरेज करके ले ही आता है, ये दो बाहर आ गए, ठीक है, एनकरेज बड़े आराम से कर लेते हैं। देखिए आवर सराउंडिंग शुड बी वेरी पॉजिटिव, अगर आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव नहीं है तो आप भी कभी कभार फंस जाओगे। मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं कि दूसरा मानो ना मानो कन्विंस हो ही जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, ठीक है। इनके ओपिनियन बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है यार पापा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर यार हम यहाँ से आते गए गाते गए वापस चले गए, लाइफ में कुछ फन ही नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से, ये नहीं फन का मतलब ये नहीं यार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, ठीक है स्कूल कूद के जा रहे, कल को अगर हम रोडीज में गए और उसने पूछा तुमने किया क्या है, एटलीस्ट एक तो टास्क हो यार, कुछ तो हमने किया हो लाइफ, तूने अब्दुल कलाम का वो पढ़ा है, अब्दुल कलाम ने लिखा है कि हमेशा सीरियस नहीं रहना चाहिए, और जब आप बुढ़े हो जाओगे पीछे मुड़ के देखोगे तो जो भी लाइफ में फनी इंसिडेंट होंगे वही याद रहेंगे, एंड सो एंड सो, एंड इतने पॉजिटिव निकालते हैं ना, इतने पॉजिटिव, ना पढ़ने के, स्कूल से भागने के, सचिन तेंदुलकर स्कूल से भागा था, पता है टेंथ में 2 बारी फेल भी हुआ था, 4 बारी फेल भी हुआ, आज भी नहीं पास हुआ टेंथ, और व्हाटएवर, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बड़ा अच्छा, एक दो बार बच्चों ने कहा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर वन, यू लिव ओनली फॉर वन, यू गेटिंग दिस लाइफ फॉर वन, और अगर इसमें भी इस एज को भी यहाँ बर्बाद कर दिया तो फिर लाइफ रिक्वायर्ड बैलेंस, घर जाके पढ़ लेंगे ना, शाम को कुछ नहीं पढ़ेंगे ना, अभी बैलेंस करते हैं ना, फन भी जरूरी है, ये कन्विंस कर ले, इसलिए इनसे दूर रहना, ठीक है, और कन्विंस तो तुम हो ही जाओगे, ठीक है। तो ये आप मान लेना कि अगर आपने इनको मौका दिया, क्योंकि हमारा ब्रेन का ये वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, वो तुरंत कैच करता है, कहता बात तो ठीक कर रहा है, बैलेंस कर लेंगे, पढ़ाई शाम को 2 घंटे ज्यादा कर लेंगे, करना इन्हें घंटा कुछ नहीं, फिर भी करते हैं। चलिए अब ये यहां से कूद के बाहर आ गए, अब जब ये बाहर आ गए तो इतने अच्छे तो है नहीं, घर जाके पढ़ने लगेंगे, ये पहुंच गए, लेट सपोज ओके कहां पहुंच गए, फिनिक्स मॉल, और कहां जाएंगे, स्कूल खुल गए तो मॉल भी खुली गए हैं, एक आध कह रहा मॉल अभी खुले ही नहीं, मारा झापड़ तेरे, तो फिनिक्स मॉल पहुंच गए, बरेली में एक ही जगह, तो मॉल पहुंच, अब इन्होंने वहां देखा ना टिकट कितने की है, क्योंकि शातिर हैं, पिक्चर देखने आए हैं, लेट सपोज अब इन्होंने टिकट देखी, लेट सपोज एक ऑर्डिनरी वैल्यू ले रहे हैं, 500 रुपए की मिनिमम टिकट है कोई, सपोज कैलकुलेशन इजी करने की, इसके पास है 450, इसके पास है 100, 150, तुम्हें क्या लगता है ये 150 वाला ए नाम का स्टूडेंट बी नाम के स्टूडेंट को 150 दे देगा, वो कहेगा जा बेटा तू पिक्चर देख ले मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, लौट के स्टोरी सुना दी, या इसका उल्टा होगा कि ये 450 वाला इसको पैसे दे देगा, वो कहेगा ठीक है यार पिक्चर भी देखियो कुछ स्नैक्स भी खाइयो फिर आ जाइए, क्या होगा, कौन किसे पैसे देगा, दोनों पिक्चर देखेंगे, कोई एक देखेगा एक भी नहीं देखेगा, क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पिक्चर दोनों देखें, क्यों, अबे इतनी बड़ी दीवार कूद के आ रहे हैं जिगर वाले बच्चे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है पैसे दे देंगे नहीं देखेंगे पिक्चर, अबे इतना अगर होता पिक्चर देखना शौक ना होता तो यहाँ 20-20 फीट कूद के आ रहे होते, पंगे लेके आ रहे होते, जिगर वाले जिगरीले लोग, जिगर ही क्या, ठीक ये बाहर आए, अब इन्हें ये पैसे मिलेंगे कैसे, ऑब्वियसली हिट फिल्म है बहुत भीड़ है, ये पैसे इन्हें मिलेंगे कोलिजन से, कोलिजन समझते टक्कर, कोलिजन इस थ्योरी का नाम है, कोलिजन थ्योरी हम जो पढ़ रहे हैं उस थ्योरी का नाम ही है कोलिजन थ्योरी, तो ये पैसे इन्हें मिलेंगे टकरों से। यस एक दो बच्चे बिल्कुल समझ गए, बहुत लाइनें लगी हैं, बहुत लोग लगे हैं, ये टक्कर मारते हुए जा रहे हैं और ठीक है, लेकिन हर कोलिजन इफेक्टिव होगा जरूरी नहीं, सारे पॉइंट याद रखना, एग्जाम्पल सारे बाद में लगेंगे, हर कोलिजन इफेक्टिव होगा जरूरी नहीं, मतलब टक्कर तो हमने 150 मारी, शायद किसी एक दो में वो फ्रूटफुल काम हो गया कि हमें जितने पैसे चाहिए थे उससे ज्यादा मिल गए, वो जो पर्स हमारे ऊपर आके गिरा या हमें मिला या व्हाटएवर जो पैसे हमारी तरफ आ गए वो ज्यादा आ गए, इज इट क्लियर। तो जिस कोलिजन में हमारा काम हो गया उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का नंबर कम होता है कोलिजन के रिस्पेक्ट में, हर टक्कर में इफेक्टिव नहीं आता ना, तो
कई बार ऐसा भी होगा कि एक आध का पर्स उठाया आपने, उसके अंदर स्लिप मिल गई, वाह बेटा हमारे भरोसे, वो तुम्हारा बाप था, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन हाँ कुछ कोलिजन इफेक्टिव। इज इट क्लियर? यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसमें हम थोड़ा बहुत व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी पिक्चर के टिकट में, मतलब कोरिलेट करो इसके आगे आके, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी थी 500, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया इन दोनों की वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं, तो 450 एंड 150 इज नियरली 600, हाफ 300, तो 300 इनकी क्या हो गई, एक एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। बाहर से कितने की जरूरत है, 200 की, 500, 300, 200 का अभी भी डेफिशिएंसी है, तो ये 200 इसकी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। इन्हें इतनी एनर्जी बाहर से पर को मिल जाए, पर पर्सन को, तो ये एक्टिवेट होके पिक्चर देख लेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है पूरा सिनेरियो? ठीक, लेट सपोज ये सब, ये कूदा फांदी, ये पिक्चर तक जाना, ये सब कोई चपरासी देख ले, ठीक है, कोई भी पियोन देख ले, ठीक, आपके पियोन को ये पता लग गया कि आप ये हरकतें कर रहे, देन व्हाट विल हैपन, पियोन ऑब्वियसली पियोन से आपको फेवर मिलेगा। कैसे फेवर मिलेगा, पियोन क्या करेगा, पियोन कहेगा ठीक है ऐसा यार तुम्हें भागना ही है, मेरी हेल्प लेके भागो, आई विल हेल्प यू, ओहो ज्यादा हेल्प हो गई, तो आई विल हेल्प यू, कैसे हेल्प करोगे भाई, तो पियोन और आप लोगों के बीच में, या ओए पियोन और इनके बीच में, ये जो प्राणी थे इनके बीच में मांड वाली सेटिंग हो गई, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया क्या करना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये पियोन करेगा क्या, हेल्प क्या करेगा, देखो ये पियोन क्या करेगा, ये पियोन यहां से दीवार हटा दिया, दीवार हटाने का मतलब समझ में आ रहा ना, ये 4-5 ईंटें हटा के खिड़की बना दी, ठीक है, और इसने 4-5 ईंटें हटा के एक खिड़की बना दी, वेरी गुड, एक दो बच्चे समझ गए, और इस खिड़की बनाने के बाद आपको कहा निकल ले यहां से, अब आराम से, ठीक है, आप यहां से यहां निकल लिए, जब आप यहां से यहां पहुंच गए फिर ईंटें वहीं लगा दी गई, ठीक है, और बहुत मारूंगा अगर एक आदमी ने मुझसे पूछा, पता क्या पूछते हैं, सर ये ईंटें निकाल दी, ऊपर की दीवार नीचे गिर जाएगी, मारा झापर तेरे ना, आप एक खिड़की बनाई, खिड़की तू क्या समझ रहा, पूरे बीच की दीवार ही हटा दी यहां से, मतलब खिड़की बनाई, खिड़की तो खिड़की बनाई है, निकल जाओ फिर 4-5 ईंटें जोड़, ठीक है, उन्हें यहाँ के पिक्चर से देखने में लगता है अबे ऊपर की दीवार तो पूरी गिर गई, हाय सत्यानाश हो तेरा, चलिए यहां से ये बच्चे चले जाएंगे, और बाई चांस अगर ये दीवार थोड़ी ज्यादा नीचे हो गई तो ये लिलीपुट भी चलेगा, ये लिलीपुट भी बाहर आ जाएगा, याद है ना ये लिलीपुट कौन था, अब आपने लिलीपुट को जब बाहर देखा आपने इसे पकड़ लिया, ओए इधर अबे, हा हा तुम भी बाहर आ गए, आपने उसे बुलाया, हुआ इधर आइए इधर आइए, तेरे पापा पैसे खर्चते थे है ना, तेरे पापा ने पैसे खर्च किए थे और ये कहा था कि पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, जिससे वो क्या हुआ यार उन सारी बातों का, वो सारी बातें कहाँ गई, ये बच्चा बड़े मासूमियत से बड़े कायदे है, पता मैं कभी नहीं भागा, एक्चुअली अब स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, शुरू में तो इन टीचर्स ने बड़ा अच्छा पढ़ाया बट अब ये टाइम वेस्ट कर रहे, एनर्जी वेस्ट कर रहे, अब ये कहते हैं प्रोजेक्ट बना लो, अब ये कहते हैं असेंबली में ये काम करो, स्पोर्ट्स में करो, दे आर किलिंग माई टाइम, बोले हाँ अब तू बाहर आ गए, ये जो फिनिक्स मॉल में खड़ा है तो टाइम का यूटिलाइज कर रहा है ना यार, एटलीस्ट मैं एक काम एटमॉस्फेयर में तो हूँ, एक एसी में तो घूम रहा हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स तो है, वहां पसीनों में तो नहीं, मतलब इनके पास सारे लॉजिक होते हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, हकीकत नहीं बोल पाते, बोले पहले मेरी औकात में ही नहीं था यार, मेरी क्या मेरे बाप की औकात में नहीं था, अब मैं आराम से कूद जाऊंगा, अब मैं निकल लूंगा आराम से, मेरी हाइट के अंडर कंट्रोल आ गया है, तो मेरे वर्ड्स वैसे मैनिपुलेट हो गए। कीप इन माइंड दुनिया बहुत जल्दी बदलती है, एंड इट इज ऑल्सो ए गुड लेसन, मतलब आप कुछ करो, द पर्सन विल स्पीक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, मैं आपको सही बता रहा हूं, मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा स्कूल से भाग रहा है, कोई भी स्कूल में टीचर से पंगे ले रहा है, हड़का दे रहा है, किसी से कुछ कह दे रहा है, व्हाटएवर, लेट सपोज उसका लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, अगले 2-3 महीनों में वो डिग्रेड हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है, हर आदमी पता क्या कहेगा, देख लिया और लेट स्कूल में पंगे,
इज्जत तो करता नहीं, मैनर्स तो है नहीं, ये देख रहे हरकतें देखिए इसकी, ये लाइफ में कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गधे हैं, एंड सो एंड सो एंड सो। बट लेट सपोज वही बच्चा जो सबसे पंगे लेता, अनशन बोलता है, स्कूल रेगुलर नहीं आता, टाइम पे नहीं आता, लेट सपोज उसने कुछ ऐसा किया जो इंटरनेशनल फेम का या नेशनल फेम पे पहुंचा रहा है, एनीथिंग, नॉट ओनली इन स्टडीज, किसी भी फील्ड में उसने कुछ किया और वो उसको एक फेम लेवल पे पहुंचा गया, उसका कोई चीज हिट हो गई, स्पोर्ट्स में कुछ हो गया, ड्राइंग में कुछ हिट हो गया, किसी भी चीज में। फिर यही लोग जो अभी तक ये कह रहे थे ना, एरोगेंस था ये, इसका लाइफ में कुछ नहीं होगा, तमीज नहीं, वो क्या कहेंगे, उनके वर्ड्स चेंज हो जाते। बात तो थी यार उसमें, इतना कॉन्फिडेंट देखा नहीं, गलत चीज तो बर्दाश्त ही नहीं थी, चाहे टीचर से लड़ना हो चाहे प्रिंसिपल से लड़ना हो, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, एरोगेंसी थी, क्यों स्टैंडर्ड था उसको अपने पोटेंशियल का पता। इन सालों के ना वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, व्हेन दे आर सीइंग द सन इज राइजिंग ये तुरंत जोड़ के नमस्कार कर देंगे, व्हेन दे आर सीइंग इट इज सेटिंग के दैट अंधेरा आने वाला है, दैट्स द इंपॉर्टेंट, आप अपनी वैल्यू खुद बनाओगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिलहाल सत्संग खत्म, लौट के आओ, ठीक है, सत्संग के बाद लौट के क्या आया, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में क्या पढ़ रहे थे, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, फिर हमने क्या उनसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट क्या करता है, ठीक है, कैटेलिस्ट का होपफुली आपको क्लियर हो गया हो व्यू क्या है, और ये दीवार थी, कैटेलिस्ट बंधु ने क्या किया, कैटेलिस्ट बंधु ने ये कर दिया, कैटेलिस्ट ने सिर्फ ये दीवार नीचे लाए, बाकी पैसेज वही है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, कैटेलिस्ट ने दीवार नीचे कर दी, एंड इट इज अ पॉजिटिव कैटेलिस्ट, क्योंकि बैरियर नीचे आया, रेट बढ़ गया, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है जब बैरियर नीचे आता है, क्लियर है ना, ये रेलवे कॉलोनी में रहने वाले बच्चे जरा ध्यान से सुने, बैरियर नीचे आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने रेलवे कॉलोनी क्यों कहा ना, एक आध बारी पढ़ाते समय यही हुआ कि मैंने कहा बैरियर नीचे आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भागने वाले बढ़ जाएंगे, उसने कहा अरे सर कैसे कैसे, मैंने मतलब हाइट ज्यादा थी, पहले कूदना मुश्किल था, अब हाइट कम हो, तो वो बेचारा सोच रहा था ना रेलवे वाला फाटक, वो ये सोच रहा था कि अगर फाटक ऊपर होता तो हम भाग जाते, वो फाटक नीचे आ गया तो भागना मुश्किल हो गया। मैंने कहा भाई थोड़ी सोच बढ़ा, ये स्कूल की दीवार है, वहां से सोचना है, तो बैरियर नीचे आया भागने वाले बढ़ गए। बट सपोज दैट ये काम होते हुए प्रिंसिपल देख लेता, अगर प्रिंसिपल ये काम होते हुए देख लेता तो क्या होता, अगर प्रिंसिपल देखे तो भैया ये दीवार बढ़ा दी जाती, यहां तार लगा दी जाती, हो सके तो कांच भी लगा दिए जाते, ठीक है। कभी आपने अपने स्कूल की दीवार के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे देखा कांच के टुकड़े, देखा कैसे देख लिए तुमने, 20 फीट की ऊपर की ऊंचाई में तार तो दूर से दिख रही, कांच कैसे देख, समझ में आता है मुझे क्यों देखे हो, ठीक है, हरकतें तो तुम भी कम नहीं हो, मुझे पहले ही मालूम था, तभी तो तुमने कांच वांच ये सब दूर से देख ली, ये दीवार की हाइट इसीलिए बढ़ाई, बाहर वाले कोई अंदर नहीं आ रहे थे, मैक्सिमम स्कूलों की हाइट सिर्फ इसलिए कि अंदर वाले अंदर ही रुके रहे, बाहर वाले तो वैसे नहीं आना चाहते यार, ठीक है, ये वायरिंग ये की किसके लिए, बाहर वालों के लिए नहीं की, ये करंट छोड़ा, बाहर तो कोई नहीं अंदर आना चाह रहा तुम्हारे कॉलेजेस में, पढ़ाई से वैसे ही भाग रहे थे बेचारे, तुम्हें अंदर बांध के रखना था इसलिए, और तुम फिर भी ऊपर तक देखा है, ओके ओके। एक आध बच्चा कह रहा भैया टाइम हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है टाइम हो गया, तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, कल के टाइमिंग बता दीजिए, हाँ मैंने देख लिया तेने ही लिखा होगा, कल के टाइमिंग मोस्ट प्रॉब्लम सेम टाइमिंग रख लेंगे, 3 to 5, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा कल के, ओके सर, थैंक यू सर, नो वेलकम।